करेंगे अमेरिकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के टॉप रिपब्लिकन माइकल मैकॉल ने दावा किया है कि काबुल में तालिबान ने 6 अमेरिकी प्लेन रोके हैं। जी हाँ, और इस प्लेन में अमेरिकी नागरिक और अफगान ट्रांसलेटर भी सवार हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि प्लेन को छोड़ने के बाद से उसके बदले में तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही तालिबान नगद पैसों की भी मांग कर सकता है। प्रदीप हमें और जानकारी देंगे। प्रदीप, विस्तार से बताइए इस खबर के बारे में। देखिए, तालिबान ने वादा किया था अमेरिकन फोर्सेस से कि जब आप विड्रॉ करने के बाद हम अलाउ करेंगे इसके पैसे, जो भी अमेरिकन हैं या जो भी अफगानिस्तान के नेशनल को आप लेना चाहेंगे उनको आप ले जा सकते हैं। और उसी सिलसिले में यहाँ पे 6 एयरक्राफ्ट जो थे चार्टर ट्रेन आए हुए हैं, जो मजार शरीफ में इस समय किस तरह से रुके हुए हैं, ये तकरीबन होस्टेज जैसी सिचुएशन है। अमेरिकी नागरिक उस एयरक्राफ्ट के अंदर है लेकिन उन जहाजों को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। जहां तक तालिबान की बात है, तालिबान ये कह रहे हैं कि उसमें अफगान नेशनल्स हैं जिनके पास ना पासपोर्ट है ना वीजा है, इसलिए वो उनको उड़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका के लॉ मेकर का सवाल है, वो कह रहे हैं कि ये होस्टेज जैसी सिचुएशन है, 6 प्लेन्स हैं जिसके अंदर अमेरिकी नागरिक है, उनको वहां से उड़ने नहीं दिया जा रहा है। आप एक बार देखिए, फिर से तालिबान ने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से वादा किया था कि आप चले जाएंगे, उसके बाद भी जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको वहां से जाने की पूरी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद तालिबान पर अब तक कोई भरोसा नहीं कर पाया है। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए।